शहनाज खान शामिल हुई ग्लोबल केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित डिस्कशन ऑन रिलीजन फॉर प्रिजनर्स। जी आपको बता दें कि मरीन लाइन स्थित इस्लाम जिमखाना के सेलिब्रेशन हॉल के परिसर में शनिवार 2 मार्च 2024 की ग्लोबल केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित डिस्कशन ऑन रिलीजन फॉर प्रिजनर्स के इस कार्यक्रम में सोशल वर्कर और शहनाज नर्सरी की ऑनर शहनाज खान भी शामिल हुई और अपना विचार व्यक्त किया। बता दें कि शहनाज खान इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी खास वजह यह है कि शहनाज खान अब शेख फाउंडेशन से भी जुड़ चुके हैं। शहनाज खान को शेख फाउंडेशन के संस्थापक मुश्ताक शेख द्वारा महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। शहनाज खान द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखते हुए अब ग्लोबल केयर फाउंडेशन भी उनसे जुड़ने की बात कही है। शहनाज खान एक समाज सेविका होने के नाते आम जनमानस के बीच में रहती है। उनकी हर समस्याओं को सुनना, उसे हर संभव मदद करने की दायित्व को अपना व्यक्तित्व समझती है। आज का ये प्रोग्राम जो था वो ग्लोबल केयर फाउंडेशन के बारे में एक एनुअल प्रोग्राम होता है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है वो प्रिजनर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे कैदी जो पहली बार जेलों में गए, जेल में चले गए किसी वजह से, और वो हैबिचुअल नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और वो कोई बड़े क्राइम में नहीं छोटे मोटे क्राइम में चले गए, उनको कोर्ट से बेल तो ग्रांट हो जाता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, गरीबी की वजह से वो लोग निकल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की मदद करना, उनको रिलीज़ करवाना उनके बिहाफ में कैश बेल भर के, और उनको रिहैबिलिटेट करने का काम जो है वो ग्लोबल केयर काम करते आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों में ग्लोबल केयर ने 590 लोगों को रिलीज़ करवाया। तो उसी मुनासिबत से आज का प्रोग्राम था, एनुअल प्रोग्राम, जहाँ पर इस्लाम जिमखाना ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर एडवोकेट मजीद मेमन, एडवोकेट यूसुफ मुछाला सर, एडवोकेट मुबीन सोलकर सर, यूसुफ अबरानी सर, और बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर अवेलेबल थे, और जिन्होंने अपने इजहार, अपने राय का, अपने सोच का बताए, और वो काफ़ी अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल है। शहनाज मैम भी आए तो हम लोगों को अप्रिशिएट किया, और एक तरह से वो महिला है और तमाम समाज में रहकर लोगों के लिए काम करती है, उनको किस तरह से देखती, किस तरह के नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई शहनाज मैम ने यहाँ पर अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी इनका अपना एक योगदान है सोसाइटी के अंदर, और उन्होंने हमारे साथ आकर हमारी हिम्मत अफजाई करी है, और हमें काफ़ी खुशी हुई मैम के साथ में वक्त गुजार कर, और उम्मीद है कि मैडम आगे भी हमारे को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्टैंडिंग में लगाया घरेलू हिंसा तमाम चीज़ों को लेकर, और जो कैदी हैं तो उनको किस नजर से कितना, मतलब किस हद तक उनको बाहर लाने का हम लोग कोशिश करते हैं, क्या कुछ प्रयास होता है जरा उसके बारे में? देखो क्या है कि प्रोसेस है उसका, क्या हमारे पास जेल का परमिशन है, हम जेल में विजिट करते हैं और कैदियों से मिलके उनके हालचाल जानने के बाद में उनकी तकलीफ़ों को जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कैदी जो किसी वजह से फंसे हुए हों उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिलीज़ करवाना कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू से, और उनको उनके नॉर्मल लाइफ में लाने की कोशिश करना, ये हमारा पूरा प्रयास है। और हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 लोग रिलीज़ होते हैं। लास्ट फरवरी में हमारे तरफ से 27 लोग रिलीज़ हुए, और ये काम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, फॉर ऑल है। इसमें कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं, कोई रिलीजन का क्राइटेरिया नहीं। हर रिलीजन, हर एज और हर जेंडर के लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मदद मिले, और सारे लोगों के लिए काम ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप इस मीटिंग में शामिल हुए, क्या कुछ सुना आपने, तमाम वकील थे, तमाम चीज़ें थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ग्लोबल फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनके साथ हमारा शेख फाउंडेशन भी जुड़ रहा है, और मैं शेख फाउंडेशन से महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ, और एक सोशल वर्क होने के नाते मैंने बहुत से काम किए, बहुत सी चीज़ें देखी। आज यहाँ आके मुझे बहुत गर्व हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे फाउंडेशन के लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसके लिए सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही कर रहे हैं, वो हर हमारे हिंदुस्तान के जो भी मतलब परेशान लोग अंदर जेल के अंदर हैं उनको बाहर लाने के लिए, अपने फाउंडेशन के थ्रू उनको बाहर लाने के लिए उनकी पूरी पूरी मदद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम और हमारे साथ हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, बाहर के भी जो लोग हैं, हम ग्लोबल फाउंडेशन को बहुत बहुत मदद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।